देख रही हूँ, पढ़ रही है सर, पढ़ 7। जबकि केतु आपको लग रहा है कि छठे सर हाउस, सेवंथ में भी पढ़ रही है, 12th, 4th और 7th में पड़ेगी। 12, 4, 7 साइन पे पड़ेगी, तो हाँ साइन पे पड़ेगी। केतु कौन से साइन में है? केतु 7 साइन पे, आग साइन में, केतु पे सेवन में ही पड़ेगी है सर, जी, लिब्रा में, केतु पे पड़ेगी। लिब्रा एक में है दो सर। हाँ तीनों क्या केतु पे सकते, पड़ती दो है, तीन और पांच, जी हाँ केतु भी पढ़ रही है सर। केतु पे पड़ रही है तो ये इसका तो सर, केतु पे भी पड़ रही है और जुपिटर पे भी पड़ रही है। बिल्कुल, लेकिन जुपिटर से हमें मतलब नहीं है, हमें केवल राहु जी हम तो केतु। फिलहाल उसको देखेंगे ना जी। हाँ मतलब पढ़ रही है। आपकी बात सही है, एस्पेक्ट पढ़ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये जो एस्पेक्ट उसी के लिए ही कंसीडर करेंगे केपी में। और साइन यहाँ टू पर अगर साइन आप बात करोगे केतु का सिग्निफिकेशन निकालना होता, केतु का निकालना होता तो आप लिखते केतु के लिए केतु स्लैश वीनस सैटर्न। क्यों? क्योंकि सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है। वीनस क्यों? क्योंकि जी। केतु वीनस के साइन में, अकेतु उनके हालांकि वो होगा ठीक, आपके कहने के मुताबिक एस्पेक्ट वीक होगा, लेकिन काउंट काउंट जरूर होगा वो। काउंट तो कर ही लेना चाहिए, बहुत ज्यादा उसका असर नहीं मानते, कम मानते हैं, जी लेकिन हाँ जी हाँ। पहले भी हम बात कर चुके हैं एस्पेक्ट इज ऑलवेज वीक। जो साथ में बैठा है वो है उसका सेटर। अच्छा मुझे सर ऐसा क्यों लगता है कि एस्पेक्ट भी अगर तीन है सैटर्न की, तीसरा सातवां दसवां, तो तीसरा तो नजदीक है, उस पर उसका जरा कोई इम्पैक्ट ज्यादा नहीं होगा सर? सबसे ज्यादा एस्पेक्ट का प्रभाव होता है तो डायरेक्ट होता है, सात का होगा। मतलब लेकिन ये अच्छा मतलब इसमें ये सब चीजें मतलब अलग अलग ऑथर्स ने लिखी हैं। अब इस बारे में कोई जाके चेक तो करा नहीं कि सेवन का ज्यादा पड़ता है, तीसरे का ज्यादा पड़ता है, तीसरे का पड़ता है, लेकिन मोटी सी बात उन्होंने बताई कि हाँ डायरेक्ट एस्पेक्ट सामने देखना ये स्वाभाविक है सबका, इट्स नेचुरल कैपेसिटी फॉर एवरीवन। नहीं, मैं सर वैसे कॉमन सेंस की बात है ना, दसवां हाउस अच्छा खासा दूर है जहां आप बैठे हैं, पास की बात तो नहीं, ये तो कितना है लेफ्ट का और राइट आप? की बात है। दूसरा एक हाँ तो आप एक तो सामने देख रहे हो और एक लेफ्ट देख रहे हो ऐसे, और एक ऐसे देख रहे हो राइट को, और एक सामने देख रहे हो, तो सामने वाली एस्पेक्ट को मतलब ठीक है, अब अलग अलग लोग अलग अलग बात कह सकते हैं, लेकिन जो मेरे को बात उनकी सही लगी एक ऑथर की वो यही लगी कि सामने वाली एस्पेक्ट सबसे ज्यादा डायरेक्ट और पावरफुल। चलो फिलहाल जो है हमारे लिए उद्देश्य आज का इतना ही था कि हम सिग्निफिकेशन निकालना चाहते थे, तो आपके लिए होमवर्क इकट्ठा हो गया है बहुत सारा। काम बहुत आसान है, उसको आसान मानना नहीं है, उसको मुश्किल ही मानना है। सबसे मुश्किल पार्ट है केपी का ये सिग्निफिकेशन ढूंढना। चलो हाँ सर, केतु और राहु का। राहु केतु का समझ लो, किसी का भी समझ लो, ये काम आपको बार 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 करते रहना है, 20 बार तो कर ही लेना आपके बिना किसी संदेह के। आपके साथ करते हुए तो प्रॉब्लम कोई नहीं आया। आगे भी नहीं आएगा, चिंता नहीं है। ठीक है जी, हाँ आपको अपने आसपास वालों ठीक की है कोई भी 10-12 हो उसको वैसे ही जनरेट कर लो, फर्जी वाली, ठीक है ना, कहीं का भी नाम डालो, कहीं की भी डेट डालो, कहीं का भी टाइम डालो, हो गया, और उसको तैयार और उसको बना। नहीं, बाहर से नहीं दिख रहा कहीं पे, अच्छा है ऊपर बैठा हुआ है नंबर 2 में। ठीक है जी, मास का क्या है? 4, 7, 8। तो मार्स की एस्पेक्ट पड़ती 4, 7 और 8 एक साइन में। दो तीन चार पांच करते हैं सर, पहले वो केबी छह चलाना सीखे सात ना आप। नहीं 4, क्या बोले जी, पहले इस जो है सॉफ्टवेयर को भी पहले इसको सीखते हैं, टेक्नोलॉजी सर कल तो से सैटरडे पहले। संडे है वीकेंड। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी तो टाइम है, मंडे को मिलेंगे हम, आज मंडे को अगले थोड़ा जी हाँ जी हाँ, सा समझ चलिए आया केपी, अच्छा लग रहा है, अब ठीक अच्छा लग रहा है। है। ठीक है जी, अब वो आपकी एस्ट्रोलॉजर तो नहीं ठहरी, चली गई हैं वो? उनको हिसाब से ये बच्चों वाली बात थी ना, वो पढ़ चुकी है ऑलरेडी, हाँ जाहिर है, वो उन्होंने दोबारा हमारे ज्वाइन सवाल किया भी इसी सर। तरह के थे। उनको ये सब बातें पहले साथ ही, मतलब वो एक बार से भी ज्यादा एक बार इधर उधर की बातें सुन चुकी है, ये उन्होंने बहुत बार ये सिग्निफिकेशन सुन लिया होगा।
फिर अच्छा सर ऐसा होता है ना, वीडियोस भी उन्होंने देखी होंगी जो उनके पास है वो एस्ट्रोलॉजर है सर ऑलरेडी। एस्ट्रोलॉजर मतलब एस्ट्रोलॉजी जान गई है, प्रोफेशनल प्रैक्टिस नहीं करती है। प्रोफेशनल प्रैक्टिस करने वाले कुछ लोग हैं हमारे ग्रुप में जो एस्ट्रोलॉजी ग्रुप में है, बसंत शर्मा इनके साथ पढ़ते थे, वो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर बन गए, अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो गए। आपके ग्रुप में केमिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज्यादा एक्टिव हुए हैं बसंत शर्मा। माशाल्लाह। सो वो और ये आपके होनहार शागिर्द हैं। होनहार भी निकले वो, सही है, इंजीनियर लड़का है वो। और ये क्या नाम है इंदु जी, और वो उनके साथ पढ़े थे दोनों, केमिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी सब कुछ। तो बसंत शर्मा ने बढ़िया अभ्यास करा, उसने अपना काम भी चालू कर दिया, वो इनको कैद करने की जरूरत भी नहीं है, शी इज वेल टू डू। शौक है सर, शौक के पास कुछ कठिनाई होती है उसको पहले जरूरी होता है कि यार मेरे को तो कुछ काम धंधा करना ही है। मैं तो खुद अपने शौक के लिए सीख रहा हूँ सर। हाँ, आप भी शौक के लिए सीख रहे हैं, ज्यादातर लोग ऐसे ही सीखते हैं। जी हाँ। और सभी लोग प्रोफेशनल हो जाएं ऐसी कोई आवश्यकता भी नहीं होती, ज्यादातर लोग अपने आप में ऑलरेडी सेटल्ड होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो मन में आ जाता है यार मैं आई एम वेरी गुड एट दिस और मेरे को कुछ पैसे मिल सकते हैं यार चालू कर लो। मेरा भी यही रहेगा कि मैं इसकी प्रैक्टिस तो करूंगा, यानी प्रैक्टिस लेकिन नॉट 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 कमर्शियली, जैसे मेरा ऑल एग्जिस्टिंग काम है ना, बिल्कुल वो चलता रहे। मेरे को लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए आते हैं ना, तो मेरे को वो इंटरेस्ट रहेगा कि भाई जो मेरी अपनी काउंसलिंग की रीडिंग्स है या असेसमेंट्स है उनके बारे में, तो हाउ डज दिस सिस्टम सपोर्ट मी टू बेसिकली लुक इनटू इट कि व्हाट वुड वर्क फॉर देम एंड व्हाट वुड वर्क फॉर देम। आप किस पे काउंसलिंग करते हैं? किसी भी भाई, काउंसलिंग तो काउंसलिंग एक स्किल है ना, काउंसलिंग बेसिकली इमोशनल प्रॉब्लम्स के लिए होती है। हाँ नहीं नहीं मतलब कि जैसे प्रॉब्लम है किसी लेडीज को कि मेरा हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करता, तो उनको प्यार शुरू करवा देते हैं। ये किसी एको प्रॉब्लम है सर? नहीं नहीं ये तो इसी में सबसे ज्यादा बिजनेस, सबसे ज्यादा बिजनेस का काम है। साइकोलॉजी किया क्या आपने? साइकोलॉजिस्ट है क्या? हाँ मैंने साइकोलॉजी पढ़ी 5 साल, लेकिन नॉट एज ए डिग्री इन साइकोलॉजी। सोशल वर्क जो हमारा कोर्स था उसमें ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री में साइकोलॉजी वाज ए स्टैंडिंग सब्जेक्ट, लेकिन मेरे साथ के सभी पढ़े हुए लोगों ने साइकोलॉजी पढ़ी है लेकिन दे हैव नॉट प्रैक्टिस्ड इनटू द फील्ड। मेरे साथ थोड़ा ये रहा कि आई रिमेन इन्वॉल्वड इन प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजी। फिर यहाँ पे मैंने यूके में काउंसलिंग की ट्रेनिंग लिखी, काउंसलर्स को ट्रेन किया, सुपरवाइज किया, तो एक मेरा काफी उसमें वो हो गया। एक होता है एक बंदे का अपना एक टेम्परामेंट होता है, हाँ स्पेशलाइजेशन हो जाता है। तो आपका और मेरा मिलता जुलता है थोड़ा बहुत। हाँ, तो मैं वो काफी फैसिनेटिंग लगता है सब्जेक्ट। तो अब जो मेरा मैं किताब लिखता हूँ तो अभी आप स्पिरिचुअल में भी चले गए। हाँ, तो मेरा सब कॉम्बिनेशन है ना, तो आई ट्राई टू इंटरप्रेट स्पिरिचुअलिटी फ्रॉम दैट एस्पेक्ट एज वेल। और शमा एकदम फिर दूसरे प्रैक्टिकल में चले गए, वो लॉयर उसमें। हाँ बेसिकली वो एचआर की फील्ड में थी, तो फिर उनके एम्प्लॉयर ने उनको वो LLM करवा दिया, तो शी बिकेम ए क्वालिफाइड लॉयर है वो। ये जो था ये तो एक नेशनल अपॉइंटमेंट होते हैं लोगों के, दोज वर एक्सपीरियंस इन दोज फील्ड्स। कितनी लंबी उम्र है देखो। हाँ आ गई पीछे से। हेलो सॉरी मैं क्लास मिस हो, वही तो आपको मिस कर रहे थे हम। ये जितनी लाइक है इनके लिए एक ही काफी है। अरे नहीं, एक दफा सुन लेना, 10-10 बार पढ़ना पड़ता है एक लाइन को। देखो पिछली वाली क्लास जो थी वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगी। कॉम्प्लिकेटेड क्या है, मतलब अभी मेरे के दिमाग में मामला सेट बैठा नहीं। वो उधर उधर की बातें भी थी ना, वो जो है वास्तव में मतलब उसका कोई एप्लीकेशन नहीं है, जो हमने पहले हमने अब तक बात करी थी ना आज से पहले, उनका कोई एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन उनको जान लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए, बस बस वही थोड़ा वो है। बाकी आज का तो मेरे को कंपैरेटिवली बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लगा। तो अनुपम मुझे दोनों समझा देंगे, लेकिन यू आर राइट, आई थिंक वी हैव टू प्रैक्टिस इट। अनुपम जी जो है हमने पढ़ा हुआ है ना जी सारा पहले। जी जी, नेक्स्ट वीक भी दो क्लास मिस होने वाली है, मंडे और वेंसडे की।
आप ये शेड ये जो अभी तो हम इसी को 2-3 दिन और इसमें लगेंगे भी हमारे अगली एक आधी क्लास कम से कम इसमें रहेगी सिग्निफिकेशन में, तो आप सिग्निफिकेशन जरूर सुन लीजिए और जरूर एक बार आप अनुपम जी से जबरदस्ती। हाँ अभी आज ही मैं ये दोनों क्लास का पढ़ लूंगी और फिर मंडे और वेंसडे की मिस होगी, फ्राइडे में वापस हूँ क्लास में, ठीक है, दो दिन और बस मिस होगी। अनुपम जी आपको ध्यान रखना है कि इनको ये बात बतानी है कि इट्स नॉट सिंपल, इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, मतलब सिंपल इन द सेंस सिंपल टू अंडरस्टैंड बट नॉट टू प्रैक्टिस दैट मच। अब जैसे भी आपने ये जो तीन चीजें निकलवाई ना इनकी स्पेशल रूल्स राउर केतु, तो मैं उसी तरह से कर रहा था जो ओल्ड सिस्टम है कि आपको हाउस से करना है, आपने बोला कि नहीं हाँ कि एस्पेक्ट निकालने में अपने उसे यू हैव टू कैलकुलेट फ्रॉम राशि, तो राशि से काउंट करना है। जी 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 यहाँ आपने हमें ट्रैप कर लिए है, हाँ यहाँ राशियों में आ गए और वेडिंग हमने पूरी हाउसेस से की है। हाउस ही थे वहां पर, हाउस और साइन बराबर होते हैं, हमने वो लिखा था ना डिफरेंस में क्या अंतर है, तो वैदिक में हाउस एंड साइन आर सेम थिंग, Here it's not like this. यहाँ पर house और sign दोनों अलग अलग हैं, और house की ही value होती है astrology में। Sign से aspect निकाल लेंगे, sign से exaltation, debilitation निकाल लेंगे, बस यही इनका काम खत्म। तो aspecting के लिए। अभी आज रात को हम पर मुझे शाम को पढ़ाएंगे हम बैठ के। बिल्कुल। हाँ बता दो। आज हमारी दूसरी क्लास नहीं है तो इस पर आएंगे। Good. चलिए ठीक है। चलिए ओके सोम को मिलते हैं, ठीक है, चलिए ठीक है जी, बाय बाय।